प्यारे बच्चों, हमने सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के हवाले से सबक पढ़ा था एक वीडियो में। उसके बशकी सवालात आज हम करने जा रहे हैं कि उसमें सवालात क्या किए गए हैं, उनके जवाबात क्या होने चाहिए थे, और उसमें गौर करने वाली बातें भी होंगी और अमली काम भी होगा। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गौर करने वाली बात हमारे सामने आई है, आइए उनको देखते हैं कि क्या क्या गौर करना चाहिए था हमको। ज़र्रे से आफ़ताब बन जाने का मतलब है किसी मामूली चीज़ को बहुत तरक्की हासिल होना। ये गौर करने वाली बात यह है कि इसमें बिल्कुल छोटे से फ़िक्रे में, छोटे से जुमले में बहुत बड़ी बात कह दी गई। मखसूस दायरा मज़मून के हुक्मरां, यानी मखसूस दायरा मज़मून के हुक्मरां होने का मतलब है लिखने के मखसूस मैदान के माहिर, यानी जिसमें एक्सपर्ट हो जाए आदमी वो। इस किताब का नाम बागो बहार है, जो फ़ारसी के मशहूर किस्से चार दुर्वेशी का उर्दू तर्जुमा है, इसलिए इस नाम से भी मशहूर है। ये जो मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको उस वीडियो में बताया था कि किस्सा चार दुर्वेश मीर अम्मन देहलवी की लिखी हुई किताब है, जिसमें फ़ारसी का किस्सा तर्जुमा किया गया था। पहले अता हुसैन की नो तर्ज मुरस्सा थी, उसका किस्सा चार दुर्वेश के नाम से किया गया था, और फिर मीर अम्मन देहलवी ने बागो बहार के नाम से इस क़स्से को बहुत अच्छे ख़ूबसूरत अंदाज़ में और बड़े बहुत समझ लीजिए खुश उसलूबी के साथ, अपना नया अंदाज़ सलासत और रवानी के साथ, मुहावराती ज़बान के साथ इसको लिखा था। आगे बढ़ते हैं। शिबली इस मजमून में जिस बात की तरफ ख़ास तौर से हमारी तवज्जो मबजूल करना चाहते हैं, यानी दिलाना चाहते हैं, वो ये है कि एक फ़र्द जब पुख्ता इरादे और ख़ुलूस नीयत से कुछ करना चाहे तो फिर उसकी राह में कोई मुश्किल हायल नहीं होती। अगर ख़ुलूस नीयत यानी सच्चे दिल से किसी काम को किया जाता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं आती। सर सैयद ने जब उर्दू ज़बान व अदब की इसलाह का बीड़ा उठाया और उसे सादगी के साथ साथ वसअत और जामियत अता करने का काम शुरू किया, तो धीरे धीरे उर्दू के शेदाइयों का एक ऐसा गिरोह उनके गिरद जमा हो गया जिसने उर्दू अदब के नए उलूम व असालीब और असनाफ का वो ख़जाना अता किया जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती है। यानी अगर आप सच्चे दिल से किसी काम को करना चाहते हैं तो कुदरत भी आपकी मदद करना चाहती है, और आपको ऐसे लोग अता कर दिए जाते हैं जो आपका साथ देते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। इस मजमून में कई फ़ारसी शायरों के नाम आए हैं, जैसे बैदिल, ज़हूरी, फ़िरदौसी, सादी और निज़ामी वग़ैरह। इनके ज़िक्र भी इस मजमून में आया है। मजमून के आखिर में शिबली ने लिखा है कि मौलाना हाली सर सैयद के बहुत करीबी साथी थे, इसलिए उन पर मजमून लिखने का हक़ उन्हीं का है। शिबली ने इस मजमून को हाली की मकबूजा सरजमीन कहकर शौक़ अंदाज़ इख्तियार किया है। सर सैयद मरहूम ने किसी गैर मुल्की ज़बान के किसी अदबी तजर्बे को उर्दू में मुंतकिल करने के लिए अंग्रेज़ी का बराह रास्त तर्जुमा करने के बजाय उन ख़यालात को अपनी ज़बान के मुताबिक मुंतकिल किया है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी का तर्जुमा नहीं किया, बल्कि उसको अपने अंदाज़ में, उस ख़याल को नए तरीक़े से लिखा है। अब सवालात का सिलसिला हमारे सामने शुरू हो गया। पहला सवाल हमारे सामने आया है, शिबली ने सर सैयद की 1847 ईस्वी में लिखी जिस किताब का ज़िक्र किया उसका नाम और मौजू लिखिए। सर सैयद ने जो किताब लिखी थी पहली वाली, उसका हवाला देना है। जवाब लिखते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी ने सर सैयद अहमद ख़ान की 1847 ईस्वी में लिखी गई जिस किताब का जिक्र किया है उसका नाम आसारुस सनादीद है, जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों, यादगारों के साथ साथ दिल्ली के शोरा और उदबा के हालात बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने आया है, सर सैयद की इंशा परदाजी का क्या कमाल बताया गया है। जवाब देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की इंशा परदाजी का बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने हर किस्म के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा, बल्कि बहुत कुछ लिखा, और जिसको लिखा उसको बुलंदी पर पहुंचा दिया कि इसके बाद नामुमकिन है। जो कुछ लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इसके अलावा जब किसी इल्मी मसले पर गुफ्तगू करते थे तो वो मुश्किल से मुश्किल मसाइल का हल ऐसी वजाहत, सफाई और दिलावेज़ी से अदा करते थे कि पढ़ने वाला कोई दिलचस्प किस्सा पढ़ रहा हो। इस तरह से लिखते थे। तीसरा सवाल, अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू में लिखने के लिए सर सैयद ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया? जवाब देखते हैं। अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू में लिखने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि उस तरह मज़ामीन लिखे जो रिवायत तर्जुमे के ज़रिए चली आ रही थी, उससे अलग हट कर काम किया। उन्होंने अंग्रेज़ी मज़ामीन के ख़यालात उर्दू में उर्दू की खसूसियत के साथ अदा किए हैं ताकि अंग्रेज़ी ख़यालात से वाक़फ़ियत हो सके। इस तरह से उन्होंने लिखे हैं मज़ामीन जो अंग्रेज़ी से लेकर के उन्होंने उर्दू की क़ालिब में ढाल करके पेश किए। मौलाना अलताफ़ हुसैन हाली के हवाले से है, हाली की मकबूजा सरज़मीन से क्या मुराद है? ये शिबली ने जिसे शौक़ी अंदाज़ में बयान किया था वही सवाल बना दिया गया। आइए जवाब देखते हैं। अलताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के करीबी दोस्तों में से थे जिनका मकसद एक ही था कि मुस्लिम कौम बेदार हो जाए और जदीद तालीम भी हासिल करे। उन्होंने सर सैयद के हालात को यकजा करके हयात-ए-जावेद के नाम से एक मुकम्मल किताब लिखी जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान के पूरे हालात बयान किए गए। मकबूजा सरज़मीन से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर कोई कब्ज़ा कर ले और उसमें कोई दूसरा ना हो, यानी मकबूजा सरज़मीन वो कहलाती है जिस पर किसी का कब्ज़ा हो जाए फिर कोई दूसरा उसमें जा नहीं सकता। हाली सर सैयद अहमद ख़ान से करीब थे, इसलिए शिबली नोमानी के नज़दीक सर सैयद पर मज़मून लिखने का हक़ भी हाली का ही था, और यहाँ पर ख़ास तौर पर मकबूजा ज़मीन से मुराद उनकी किताब हयात-ए-जावेद है। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सर सैयद और हाली बड़ी गहरी दोस्ती थी, और सर सैयद के कहने पर अलताफ़ हुसैन हाली ने मुसदस मद्दजर इस्लाम के नाम से एक नज़म लिखी थी, एक किताब लिखी है, जिसके लिए सर सैयद ये फरमाते थे कि अगर हश्र के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि सर सैयद दुनिया से क्या लाया, तो मैं कह दूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। तो सर सैयद और हाली का जो दोस्ताना था वो बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा महज़बाना और बहुत इल्मी लियाकत के साथ था, और बड़ी एक दूसरे का ख्याल रखने वाली दोस्ती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अमली काम आपके सामने आया है। अंग्रेज़ी अखबार के किसी रिपोर्ट का ऐसा ही तर्जुमा कीजिए जैसा इस सबक में तजवीज़ किया गया है, यानी जिस तरह से सर सैयद ने अंग्रेज़ी के ख़यालात को उर्दू के क़ालिब में ढाल कर पेश किया था, इसी तरह से आपको भी अंग्रेज़ी अखबार के किसी रिपोर्ट का इसी अंदाज़ में आपको तर्जुमा करना है और उसको इसी अंदाज़ में पूरे ख़याल को पेश करना है। ये सबक हमारा और ये सवालात का सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक हिदायत आपको ये करना चाहता हूँ कि आप इन सवालों के जवाब अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। आदाब।